उत्तराखंड पुलिस ने गुमशुदा बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को तलाशने के लिए एक बार फिर से ऑपरेशन स्माइल शुरू कर दिया है। बता दें, 1 मई से 2 माह के ऑपरेशन में वर्ष 2000 से अब तक गुमशुदा लोगों की तलाश की जाएगी। इसके लिए 4 बड़े जिलों में 5-5 टीमों का गठन किया गया है, जबकि राज्य के बाकी 9 जिलों में 1-1 टीम गुमशुदा लोगों को तलाश करेगी। कानून व्यवस्था ADG ने कहा कि 4 धाम यात्रा के दौरान भीड़ में कई लोग अपनों से बिछड़ जाते हैं। इसके साथ ही राज्य के कई लोग लंबे समय तक दूसरे राज्य में नौकरी के लिए चले जाते हैं और वापस नहीं आते। ऐसे में उनके परिजन मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देते हैं। इसी तरह की घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करने के लिए टीमें भी गठित की गई हैं। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। बिल्कुल आपने सही कहा, हमने 2 महीने का अभियान फिर से चलाया है। हमने समय समय पर, आप लोग अवगत होंगे कि हम विभिन्न अभियान चलाते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग मिसिंग हो जाते हैं और मिसिंग के बारे में पता नहीं चलता है। देश बहुत बड़ा है और जनसंख्या हमारी बहुत है, कई बार लोग बिना बताए हुए दूसरे राज्य में काम करने के लिए चले जाते हैं तो, और यहाँ पे मिसिंग रिपोर्ट लिख दी जाती है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको कम करने के लिए, मिसिंग पर्सन्स को इमीडिएट ट्रेस करने के लिए हमारी एक SOP है। उस SOP के तहत विभिन्न जनपदों में हमने डायरेक्शन दिया है, टीमें बनाई गई हैं, वो लोग कार्य करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। हम 2 महीने तक इसमें अभियान चलाएंगे, क्योंकि 4 धाम यात्रा का भी सीजन है तो इसमें भी कई सारे लोग भीड़ भाड़ में खो जाते हैं, तो उसके अनुरूप ही हमने इस कार्य